तो दोस्तों फिर हाजिर हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे 1994 में आने वाली तीन बड़ी फिल्मों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि वहीं पर बात करेंगे संजय दत्त की ज़माने से क्या डरना, और वहीं पर बात करेंगे अजय देवगन की दिलवाले और सलमान खान की चांद का टुकड़ा। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि वहीं पर बात करेंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, आखिर 1994 में कौन सी मूवी ने मारी थी बाजी, ये साल किसके नाम। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। अगर चैनल में नहीं है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक्टर संजय दत्त की मूवी के बारे में, ज़माने से क्या डरना। ये मूवी 14 जनवरी 1994 में रिलीज हुई थी। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर हम बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपके लिए बता चलो कि इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 4 करोड़ कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इसने 8 करोड़ कमाए थे। ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, जिसमें अहम किरदार में बॉलीवुड के एक्टर संजय दत्त और रवीना टंडन नजर आई थी। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस इंडिया पर एवरेज साबित हुई थी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम बॉलीवुड के एक्टर अजय देवगन की दिलवाले मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि वहीं पर बात करेंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपके लिए बता चलूं कि अजय देवगन की दिलवाले मूवी ये 4 फरवरी 1994 में रिलीज हुई थी। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अगर हम बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपके लिए बता चलूँ कि ये मूवी 2 करोड़ के बजट में बनी थी, और इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 6.5 करोड़ रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इसने 12 करोड़ कमाए थे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, जिसमें अहम किरदार में बॉलीवुड के एक्टर अजय देवगन, सुनील शेट्टी और रवीना टंडन अहम किरदार में नजर आई थी। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि ये मूवी लोगों ने काफ़ी पसंद की, और ऑडियंस ने भी इस मूवी को काफ़ी पसंद किया था। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस इंडिया पर सुपर हिट साबित हुई। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम बॉलीवुड के एक्टर सलमान खान की मूवी के बारे में। तो दोस्तों आपके लिए बताता हूँ कि सलमान खान की मूवी चांद का टुकड़ा ये 19 अगस्त 1994 में रिलीज हुई थी। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर हम बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपके लिए बता चलूं कि ये मूवी 3 करोड़ के बजट में बनी थी, और इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 2 करोड़ कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इसने 4 करोड़ रुपए कमाए थे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि इसमें अहम किरदार में बॉलीवुड के एक्टर सलमान खान, सनी देओल नज़र आई थी। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर और पूरे वर्ल्ड में कुछ खास कमाल नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि सलमान खान की चांद के टुकड़े में काफ़ी बड़े बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन इनकी मूवी ने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर कुछ खास कमाल नहीं किया था, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस इंडिया पर फ्लॉप साबित हुई थी। चलिए दोस्तों अगर हम बात करें कि 1994 में कौन सी मूवी ने मारी थी बाजी, और ये साल किसके नाम, तो दोस्तों आपके लिए बता चलूँ कि अगर हम बाजी की बात करें कि 1994 में संजय दत्त की मूवी ने बाजी मारी, या अजय देवगन की, या सलमान खान की मूवी ने, तो दोस्तों आपके लिए बता चलूँ कि अगर हम बाजी की बात करें तो यहाँ पर बॉलीवुड के एक्टर अजय देवगन की दिलवाले मूवी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि ये मूवी 2 करोड़ के बजट में बनी थी, और इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 6.5 करोड़ कमाए थे, और पूरे वर्ल्ड में 12 करोड़ रुपये कमाए थे। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर हम बाजी की बात करें तो यहाँ पर बॉलीवुड के एक्टर अजय देवगन की दिलवाले मूवी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों अगर हम बात करें कि ये साल किसके नाम, तो ये साल बॉलीवुड के एक्टर अजय देवगन के नाम रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें सलमान खान की चांद का टुकड़े के मूवी के बारे में, लेकिन ये 3 करोड़ के बजट में बनी थी, और इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2 करोड़ कमाए थे, और ये बुरी तरीके से फ्लॉप रही थी। अगर हम बात करें संजय दत्त की, तो संजय दत्त की मूवी ने काफ़ी अच्छी कमाई की थी, लेकिन वो एवरेज साबित हुई थी। लेकिन अगर हम बाजी की बात करें तो यहाँ पर बॉलीवुड के एक्टर अजय देवगन की दिलवाले मूवी बाजी मारती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों अगर आप भी अजय देवगन, संजय दत्त,
और सलमान खान को अच्छा अभिनेता मानती हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों इन तीनों मूवी में से आपकी कौन सी मूवी ज़्यादा पसंद है और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।